जय हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी और दिवाली आने वाली है। आज मैं आपको नई जानकारी देने जा रही हूँ धनतेरस के बारे में। धनतेरस पर क्या करें जिससे लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करे और धन की वर्षा हो। धनतेरस के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। हमारे जहाँ जो भी त्यौहार आते हैं वो हमें देने के लिए आते हैं। ये हमारी हिम्मत है कि हम उनसे कितना ले सकते हैं। दिवाली आती है तो वो अपने साथ धनतेरस, रूप चतुर्दशी जिसे कि हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इस तरह दिवाली अपने साथ चार त्यौहार और लेकर आती हैं। पहला त्यौहार धनतेरस। इस दिन कुबेर की पूजा होती है जो कि धन के देवता हैं। इस दिन से पहले ही घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए जिससे कुबेर देवता प्रसन्न हो, और इस दिन शाम के समय 13 दीपक जलाने चाहिए। अगर 13 दीपक ना जला सकें तो कुबेर देवता के सामने एक दीपक जलाएं और एक घर के मेन गेट के बाहर दीपक जलाएं, और इस दिन बर्तन की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। बर्तन आप स्टील के अच्छी क्वालिटी के, पीतल के और तांबे का ले सकते हैं, पर इस दिन भूल के भी लोहे का, कांच का बर्तन बिल्कुल ना खरीदें। इस दिन अगर आप चांदी का सिक्का खरीदें तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती, आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद सकते, तो कम से कम एक झाड़ू जरूर खरीद लाएं और उसे रोली लगा कर और मोली लपेट कर दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें और पुरानी झाड़ू बाहर फेंक दें। इससे लक्ष्मी खुश होगी। इस दिन आप अगर सोना, चांदी, हीरा खरीद सकते हैं तो खरीद लें। अगर नहीं खरीद सकते तो सूखा धनिया जरूर खरीदें और इसे बाद में अपने घर में इस्तेमाल करें और घर के गमले में लगा दें, जिससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। इस दिन लक्ष्मी गणेश की फोटो लेकर आएं। लक्ष्मी गणेश की फोटो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये फोटो अंगूठे जितनी बड़ी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच बड़ी हो। इसको आप इस दिन लेकर आएं और दिवाली पर इसकी पूजा करें और इससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होगी। इस दिन मैं आपको एक टोटका बताती हूँ जिससे आपके पैसों में लाखों करोड़ों गुना बढ़ोतरी होगी। आप स्टील, पीतल या तांबे का कोई भी बर्तन खरीदें और साथ में एक मोर पंख जरूर खरीदें, और दिवाली वाले दिन उस बर्तन में मोर पंख रखकर लक्ष्मी जी की पूजा करें जिससे आपके घर में पैसों की लाखों गुना बढ़ोतरी होगी। इस दिन आप चावल जरूर लेकर आएं और चावल को हल्दी लगाकर पीले कपड़े में बांध दें और दिवाली वाले दिन इसकी पूजा करके इसे तिजोरी में रख दें जिससे आपके घर में पैसों की कई गुना बढ़ोतरी होगी। आंवला, जो कि लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इस दिन आंवला खरीद कर लाएं और दिवाली के दिन पूजा करने के बाद इसे आप प्रसाद के रूप में खाएं और आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। धनतेरस पर आप 5 हल्दी की साबुत गांठ लेकर आएं और दिवाली के दिन पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में बांध कर रख दें। इस दिन आप लाल कपड़ा खरीद कर लाएं, वो मीटर या 1.25 मीटर ला सकते हैं, और दिवाली वाले दिन इसे चौकी पर बिछाकर ऊपर माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति रखकर पूजा करें जिससे लक्ष्मी खुश होगी और आपके घर में धन की वर्षा होगी।
और धनतेरस पर आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होगा। ये मैंने आपको दिवाली आने से पहले धनतेरस के बारे में बताया, जिससे आप ये चीज़ें अपनाकर अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास करा सकते हैं। धन्यवाद।